स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग चक्रवात के बारे में। वर्तमान समय में भारत ने दो ताकतवर चक्रवातों का सामना किया, जिसमें तोकते और दूसरा यश था। इन दोनों ताकतवर चक्रवातों ने पूरे भारत को प्रभावित किया है। कारण यह है कि ये चक्रवात बहुत ज़्यादा भयावह थे जो इससे पहले आए थे उनसे भी। सबसे पहले देखिए, ये चक्रवात का जो पूरा एक रेशियो होता है वो एक समुद्री एरिया में बनता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि चक्रवात बनता कैसे है और ये कैसे प्रभावित करता है भारत को, और ये बहुत देश को प्रभावित करता है, लेकिन भारत के किन क्षेत्रों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, चक्रवात बनता कैसे है। चक्रवात समुद्री इलाके के वैसे क्षेत्र में बनता है जहाँ की वायु गर्म होती है, और जैसे ही वायु गर्म होती है यह वायुमंडल में चल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हवा गर्म होता है तो यह ऊपर की ओर जाता है, और जैसे ही वह हवा ऊपर की ओर जाता है उसके चारों ओर की जो ठंडी हवा होती है वो जल्दबाजी में उस क्षेत्र में पहुंचती है जहां पर वायु की मात्रा कम होती है, और इस तरह करके एक चक्रवात का निर्माण होता है। यह 10 से 20 दिन का समय लेती है, जिसके दरमियान में वायु का गति जो होता है वो 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाता है। जब यह चक्रवात अपने विकराल रूप में रहता है तो यह 300 से 400 हजार किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड भी पकड़ सकती है, इतना इस चक्रवात का स्पीड होता है। देखिए, चक्रवात जो है भारत के मुख्य कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, उड़ीसा आता है, पश्चिम बंगाल आता है, गुजरात आता है, तमिलनाडु, और साथ ही साथ कर्नाटक, केरल जैसे क्षेत्र आते हैं। गोवा भी इसमें आता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र समुद्री इलाकों में पड़ता है। चक्रवात का जो समय है भारत में यह मई से जून के बीच में होता है, और 120 साल से देखा जा रहा है कि मई और जून के बीच में अधिकतर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में तबाही होती है। जो वर्तमान में यश नामक चक्रवात आया, इससे बहुत ज़्यादा तबाही देखा गया, क्योंकि इसने पश्चिम बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र और जितने उत्तरी पूर्वी राज्य के जितने भी क्षेत्र थे सबको तबाह कर दिया। ताप्ते का भी इसी तरह रूप था। अब यहाँ बात आता है कि चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है। तो देखिए, ताकते और जिस तरह का चक्रवात यश अभी चल रहा है, तो इनका नामांकन कैसे होता है। देखिए, वर्ष 2004 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड और ओमान जैसे देशों ने यह निश्चय किया कि जो भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनका नामांकन ये आठों देश करेंगे, और सभी देशों से 8-8 नामों का सुझाव दिया गया। इस तरह से 64 चक्रवातों का नाम तय हुआ जो उनके गुणों के आधार पर होना था। इसलिए जब भी चक्रवात आता है तो इन 64 नाम से कोई एक नाम चुना जाता है। वर्तमान समय में ये 64 नाम का जो श्रेणी था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, और अभी 144 नए नामों का आकलन किया गया है, जिसके आधार पर किसी भी चक्रवात का नाम रखा जाता है। ये अल्फाबेटिकली होते हैं, मतलब इसे ए से लेके जेड के क्रम में रखा जाता है उसके प्रभाव के कारण। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा चक्रवात था ये कैटरीना को माना जाता है, ये भी चक्रवात का एक नाम था, क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में तबाही हुई थी। अभी तक हुदहुद, अम्फाल और इस तरह से बहुत चक्रवात आ चुके हैं, जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है भारत और अन्य देशों को। चक्रवात का आकार जो होता है ये भी और अंडाकार का होता है, क्योंकि जब ये शुरुआत में होता है तो इसका छोटा आकार जो होता है वो धीरे धीरे वायुमंडल के सतह पर थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो वी का शेप लेती है। साथ ही साथ कुछ चक्रवात ऐसे होते हैं जो अंडानुमा आकार के होते हैं। इसका पूरा जो सिचुएशन होता है, इसमें होता क्या है कि जब वायु या तूफान का गति जो होता है वो 74 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाए तब ये चक्रवात कहलाता है, नहीं तो हम 74 किलोमीटर प्रति घंटा से कम वाले जितने भी वेग हैं उन्हें चक्रवात नहीं कह सकते। इसका प्रभाव 3 से 6 दिनों तक का होता है। साथ ही साथ यह बहुत ज़्यादा प्रभावी करता है तटीय इलाकों को, बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में जालमाल की क्षति होती है, साथ ही साथ कई सारी घटनाएं होती हैं जिनसे बहुत अधिक मात्रा में विनाश होता है। चक्रवात का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसे एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर ये अपने आप को पूरी तरह मैच्योर कर सके, जिसके अंतर्गत ये 2000 से 3000 के क्षेत्रफल को लेती है, और एक चक्रवात जो है वो बनने में कम 20 से 25 दिन का समय लगता है। चक्रवात को तैयार करने में जो टाइम लगता है, इसके दौरान मौसम विभाग सैटेलाइट के द्वारा इस पर नज़र रखी होती है, और इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसे एक तरह से आप
त्रिलोक भी कह सकते हैं। त्रिलोक एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर चक्रवात जो है बहुत कमजोर होता है, ये चक्रवात के अंदरूनी भाग में होता है। देखिए हर देश में चक्रवात का अलग अलग नाम है, जैसे आप वेस्ट इंडीज में चक्रवात को हरिकेन कह सकते हैं, चीन और फिलीपींस में चक्रवात को बवंडर या टाइफून कह सकते हैं, अमेरिका में इसे टोर्नेडो कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसे बिल्ली वैली कहा जाता है। चक्रवात का जो प्रकार होता है ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला ध्रुवीय चक्रवात, दूसरा ध्रुवीय कम चक्रवात, तीसरा अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चौथा अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पांचवा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो इस बार भारत में आया था और बहुत तबाही मचाया था, और छठा जो होता है मैस्कोलेशन होता है। देखिए ये सभी चक्रवात का अपना प्रकार और अपना रूप होता है। सबसे पहले भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, और जो मैस्कोस्केल चक्रवात है ये अमेरिका में अधिक देखा जाता है, क्योंकि इस चक्रवात से अधिकतर क्षेत्र जो होता है वो छोटे आकार में नष्ट होता है, लेकिन इसका समय श्रेणी जो है वो 8 से 15 दिन का होता है। इस चक्रवात में बहुत सारे मात्रा में बहुत संसाधन तबाह होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है इसमें अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा और ओले पड़ते हैं। इसमें हवा का जो वेग होता है वो 200 से लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा का होता है। इस चक्रवात में हानि बहुत होता है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो यहाँ पर जितने भी तटीय राज्य हैं जो समुद्र क्षेत्र में पाए जाते हैं वो सभी राज्य इनसे अछूत नहीं होते हैं। देखिए चक्रवात को पूरा विश्लेषण करने में ये कैसे बनता है, इसको वैज्ञानिकों ने लगातार सैटेलाइट से मॉनिटरिंग किया है, जिसमें यह पता चलता है कि अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के कटने के कारण चक्रवात उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर एक जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं और बीच में आप मानव बस्ती बसाते हैं, तो जंगलों में जो वायु होता है वो पेड़ों के कारण ठंडा होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में मानव बसे हैं या मानव बस्तियाँ बनाई गई वह क्षेत्र का वायु गर्म हो जाता है, और जैसे ही वह वायु ज़्यादा गर्म होती है वह तुरंत वायुमंडल में चल जाती है, जिसके कारण उस क्षेत्र के अन्य ठंडे वायु जो होता है उस खाली हुए भाग को भरने का प्रयास करते हैं जहाँ से चक्रवात का निर्माण होता है। यह एक छोटा सा उदाहरण है चक्रवात निर्माण का। उसी तरह समुद्रों में होता है, जब समुद्र में गर्म हवाएँ तुरंत वायुमंडल में जाती हैं और ठंडी हवाएँ जो होती है वो गर्म वायु से बहुत ज़्यादा तेज होती है, और वो उस स्थान को भरती है जहाँ पर गर्म हवाएं पहले थी, और इसी क्रम में बहुत अधिक मात्रा में जल और बादल ये दोनों संघनित होने लगते हैं वायुमंडल में, जिससे बिजली का निर्माण होता है और बहुत अधिक मात्रा में बादल बनते हैं, और ये संघनित रूप ही चक्रवात का निर्माण करती है। देखिए अभी तक जो चक्रवात आए हैं इसमें हर वर्ष लगभग 1,500 से 2,000 लोगों की मृत्यु होती है, और साथ ही साथ कई प्रकार के जानमाल की क्षति होती है, भूमि संपदा और बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, जिससे हमारे विज्ञान असमर्थ हैं। ये प्रकृति की एक आपदा है जिस पर निपटना बहुत ज़रूरी है, और आशा करते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है इससे जुड़े बहुत से तथ्य हैं जिसे जांच कर रहे हैं और इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सैटेलाइटों के द्वारा हम चक्रवातों से बच तो रहे हैं, किंतु इसके प्रभाव से हमारी कृषि व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो रही है। तो आज हम लोगों ने जाना कि चक्रवात किस तरह हमारे देश को और हमारे विश्व को तबाह कर रही है। आशा करते हैं कि चक्रवात से जुड़ी सभी कड़ियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।